भाई ताकत है तो मेरी जानू, आदत सारी तेरी, तुझसे है रोशन जहां मेरे भैया, तेरे बिन खुशियां कहां। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी हम तीनों सैलून से आए हैं, हमने हेड वॉश कराया था और हम घर पे जा रहे हैं, और घर पे भैया भी आया हुआ है। घर पे भैया भी आया हुआ है, और देखो मैंने मेहंदी लगवाई है और मम्मा ने भी मेहंदी लगवाई है, पर दीदी ने मेहंदी नहीं लगवाई। पर मैंने इसको बोला था लगवा ले, पर इसने लगवाई नहीं। क्यों नहीं लगवाई ये भी बता दे, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, भैया ने बोला था इसको कुछ काम करने के लिए। और मैं मेहंदी लगवाती तो मैं 4-5 घंटे ऐसे ही बैठी रह जाती हूँ हाथों के साथ, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। पर मैंने दीदी को बोला था कि मैं तेरे यहाँ लगा देती हूँ ऐसे कड़ा टाइप, इसने लगवाई नहीं। लेकिन वो उसमें भी तो टाइम लगता, फिर इसका ध्यान उसी में रहता, कलाई कहीं लग ना जाए, बात तो वही है। और ना अभी भैया का 3-4 बार फोन आ चुका है कि कब आओगे। भाई हमारे यहाँ के रोड इतने खराब है ना, बहुत ज्यादा खराब। अगर 10 मिनट में कहीं पहुँचना हो तो 1 घंटा लगता है, और सारे के पानी भरा है, सारे रोड टूट गए हैं। अभी ये दोबारा से बनवाने पड़ेंगे, जब होगा इसी। आप बनवाओगे मम्मा? सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार बनवाएगी। बनवाओ। तो गाइज ये देख लो हमारे यहाँ की सड़कों की हालत, बिल्कुल पाउडर उड़ता है, पाउडर। मम्मा जरूरत है लगाने की फिर? नहीं जरूरत है, जब तक शीशा नहीं खोलेगी जब तक कैसे लगेगा। शीशा खोल। नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं लगाना, मेरे को पाउडर पसंद नहीं ये है ना। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, मतलब हाँ। तक बन चुका, वहां तक बन चुका, उसके आगे अभी यहाँ काम चल रहा है। ये देखो भाई ये सड़कें, ऐसी हालत है आगे सड़कों की। तो गाइज मैं सैलून से आके तैयार हो गई हूँ राखी बांधने के लिए, और मम्मा पानी पी रही है मटके का। मटका ना हमारा 4 दिन से खाली पड़ा था, मैंने ही भराया, और आज फिर ये मटके का पी रही है। और दीदी पीछे भैया की रोटियां बना रही है। तो गाइज मिल लो भैया से। हेलो गाइज, आज है रक्षाबंधन और आज बनेगी राखी, और आज होएगी थोड़ी जेब ढीली। पानी नहाने के बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? नहाते टाइम नमी निकल जाती शरीर की? नहीं अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, इससे बीपी नहीं होगा कभी। ओके भाई, वैसे तो मैं पीता रहता हूँ पानी, नहाने से पहले भी पी लेता हूँ, बाद में पी लेता हूँ, हर टाइम पी लेता हूँ मैं तो। भैया ने अपने ब्लॉग में तो दिखा दिया था, मैंने हाथ पे भैया का नाम लिखवाया है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में अब दिखाऊंगी। हाँ मेरे ब्लॉग में तो अपलोड भी हो चुका वो वीडियो, जिन्होंने भाई दोनों हाथों पे नाम लिखवाया। बाकी मैं रेडी हो लेता हूँ, थोड़ा बाल सेट कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके। और गाइज आज तो आ रहा है, तो भाई मेड भी नहीं आई और किसी के घर भी नहीं आई होगी, तो आज हमने सारा काम खुद करा है। इतने बर्तन मैंने धोए सुबह, और अभी खाना फिर से खाएंगे ना तो फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, और हमें जाना भी है, पर कोई नहीं काम करके जाएंगे। लेकिन हमने सब मिल के गया तो हमारा काम फटाफट से हो गया, और हम सब रेडी भी हो चुके हैं। तो मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, और स्वाती को बताओ स्वाती कैसी लग रही है। सीधे हो जाओ भाई, स्वाति हमारी दुबली पतली है, वो रोटी भी कमी खाती है, तो इसीलिए वो पतली सी दिख रही है। बिंदी लगा ले, ब्लैक फिट, एक ब्लैक कम क्या है, एक ब्लैक बिंदी। हां फैट हो, फैट ओ एक ब्लैक बिंदी लगा ले। हां हां लगा लूंगी, मतलब हम फैट है और ये फिट है। वाओ, नो इट इज व्हाट इट इज। मैं बल्कि ना मेरे उस पे कमेंट आया है कि आप पतले मत हो, ओ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मैं मोटी नहीं हूँ, मतलब जितने उतने में सही लगती हूँ, और मुझे भी खुद में सही लगता है। सही लगने का और ना सही लगने का तो बोला ही नहीं। ओके okay. उसने फिट का बोला है, फिट फैट डन। और गाइस ये मिलो अपने इंस्टा से, इंस्टा हैप्पी रक्षाबंधन इंस्टू। तो गाइस आज मैं इंस्टा को भी राखी बांधूंगी, और ये यहाँ आगे रोटी बिल्कुल नहीं खाता, मैंने इसको डॉग फूड खिला दिया। डॉग फूड से भी कुछ नहीं होता, रोटी भी चाहिए होता। हाँ ये भी बात है, खाता ही नहीं है। ये बना दी, ये वहाँ तो ब्रेड खाता है, वहाँ यहाँ आगे ये रोटी नहीं खाता, या तो इसको ब्रेड चाहिए। अब इंस्टा ब्रेड ब्रेड खानी है तेरे को? इंस्टा रोटी नहीं खाई, नहीं खाई इसने। अच्छा चल जल्दी आओ, है न्यूज में, मैं हाथ से दे रही थी, इसने खाई नहीं लेकिन। अच्छा, और वो निभाई थी बिल्कुल जब मैंने बनाई, तो इसने डॉग फूड खा लिया। हाँ शाम को दे देंगे।
इंस्टा आज मैं तेरे को राखी बांधूंगी, ओके? इसके कान के बांध जो ये ऐसे ऐसे करता रहे। तो गाइज अब मैं बांधूंगी कानू जी को राखी। ये इस पे हवा किस चीज की लग रही थी? वो एसी की हवा लग रही है। ऊपर कर दो। इसको भी बंधवानी है। कह रहा है पहले मेरे को बांधो। चीनू हम प्रकट हो गए हैं, हम पूछ रहे हैं चीनू तुम्हें क्या चाहिए? आप चाहिए, आप। चीनू को आप चाहिए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो गाइस अब मैं बांधूंगी अपने भाई को राखी। यस, हम लोग तैयार है भाई, राखी मतलब मैं तैयार हूँ राखी बनवाने के लिए और ये लोग तैयार है राखी बांधने के लिए। इसीलिए शायद हो रहा है पीछे पीछे, इसको मिठाई खानी है इसलिए ऐसे पीछे पीछे घूम रहा है। हाँ भाई इंस्टा नए गिफ्ट के साथ मजे आ रहे हैं। ला मेरे को तो दे दे, दे मेरे को बोल दे, मेरे को बोल दे, पकड़ो पकड़ो इंस्टा की बोल को, पकड़ो 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 पकड़ो। देख भागता रहता है, देख देख देख, देगा नहीं बोल, देगा नहीं। हाँ भाई ये देखो भाई, छत पे देखो, छत पे क्या मतलब आसमान में पतंग उड़ रहे हैं भाई। 15 अगस्त पे भाई तिरंगा लगा दिया था और देखो पतंगे उड़ रही हैं भाई, दिख रही है पतंग्स, है ना, पतंग्स उड़ रही है, पतंग नहीं पतंग्स उड़ रही हैं बहुत सारी। इंस्टा आ जा भाई, तू तो अपनी बॉल के साथ खेलने में बिजी है, बाकी भाई हम अभी हाँ दोनों राखी नहीं खोली, इसका ध्यान है एक्चुअली ना बॉल पे है, राखियों पे तो इसका ध्यान है ही नहीं, जब से इसको चू 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 करके खेलने लग रहा है। तो अभी निकलते हैं मामा के घर, मैं मम्मी और चीनू। स्वाति रखेगी इंस्टा का ध्यान, घर पे रहेगी स्वाति। इंस्टा कम। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने मामा के घर। मामा के घर जा रहे हैं, पहले एक मामा के जाएंगे, फिर मम्मी मामा के राखी बांधेगी मामा वन के, फिर मामा टू के पास जाएंगे। हाँ अभी तो वन कह रहे हैं। हाँ तो मामा वन बड़े वाले मामा, फिर मामा टू के पास जाएंगे मामा छोटे वाले, दोनों मामा के राखी बांध देंगे, फिर उसके बाद देख देगी व्हाट्स अवर प्लान उसके बाद फर्दर। भाई इतना तगड़ा जाम है ये देखो, अभी हमने दो रास्ते बदले हैं और अभी यहाँ से भी हम बदल रहे हैं, गाड़ी मोड़ने तक की जगह नहीं है। तुझे याद है लास्ट टाइम हम मर्सिडीज में थे, हमने तब भी यूं ही किया था। हाँ। भाई बहुत तगड़ा जाम है, बहुत तगड़ा, चलाने वाला और परेशान हो जाता है बेचारा। अब हम तीसरे रास्ते में ट्राई मार रहे हैं, बताओ क्या करें अगर वहाँ से निकल जाए। लास्ट टाइम भी यूं ही करा था मम्मी। हाँ याद है मुझे, रुक के मून भी देखा था रास्ते में। तो गाइस हमने अभी बदला है चौथा रास्ता। रचित कैसे भाई दो चेंज कर, देखो यहाँ भी गाड़ियाँ फंसी पड़ी है सब जाम में। तीसरे पे आए थे, तीसरा रास्ता सही था पर आगे पता लगा किसी का ट्रैक्टर खराब हो रखा है, सड़क वहाँ पे ब्लॉक हो रखी है। अब चौथे रास्ते पे जा रहे हैं, अब तीसरे से निकलेंगे तभी चौथे पे पहुंचेंगे, तीसरे में फंस रखे अभी तक। तो पता चलेगा वो ठीक है, वापस मुड़े तब पता लगेगा कि वो भी ठीक है या नहीं। और भाई इस पे भी जाम लग गया, फिर अभी नए नए बंदे आ रहे हैं, अभी ये बेचारे वापस मुड़ेंगे आगे से। तो गाइस हम सब मामा के घर से आ गए और मैंने आके अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और देखो इंस्टा को जो मैंने गिफ्ट दिया था ना बॉल, उससे खेल रहा है अब तक। इंस्टा क्या कर रहा है? इसका चीनो एक बॉल है यार, क्या जिसमें घुंगरू बजते हैं उस टाइप का, खा जाएगा परी जो पलटकता है जिसके घुंगरू हो और फिर वो बजे, खा जाएगा ये सब कुछ, खा जाता है। दे दे इंस्टा मेरे को बोल। रोकता तो नहीं है, जिसे भोक रहा है। बोल रहा है ये। तो गाइस इंस्टा आज नहा लिया है और इसने अपना परफ्यूम लगा लिया, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबूदार बच्चा बन गया इंस्टा, खुशबूदार बच्चा। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वे बजाते रहते हैं पूरा दिन। अभी इंस्टा है, इंस्टा। अरे किसकी बॉल है ये, मैं ले लूं क्या? ले 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 ले।
जब भी आ जाता है अपनी बोल नहीं देगा, बोल तो दे देगा। तो गाइस आपको एक बात बताऊं, अब चलो मम्मा बताएगी। तो चीनू के आज जो इसने फास्ट किए थे सावन के, पूरा एक महीना हो गया है और चीनू ने एक महीना बहुत अच्छे से निकाला। इसने कभी खाने का मेरे से कुछ नहीं मांगा और ये बहुत अच्छे से रही, अपना थोड़ा बहुत खाया जीने लायक, और चीनू का काफी वेट भी लूज हुआ है। और क्या बोलूं, तो क्या बोलना चाहेगी, मैंने फास्ट अच्छे से करे अपने। मैं ये बोलना चाहूंगी कि चीनू ने बड़ी डेडिकेशन के साथ करे है पूरा फास्ट एक महीने के लिए, और वेल डन भैया। तेरे व्यूज, तेरा ओपिनियन, मतलब जितनी मेहनत मशक्कत और उससे राइट लेना है, डेडिकेशन से तूने फास्ट करा है वो बहुत अच्छी चीज है, और इन फ्यूचर भी कोई काम करे तो इसे डेडिकेशन से करेगी तो हो जाएगा। जैसे फास्ट तेरे इतने कंप्लीट हो गए, ऐसे कोई भी डेडिकेशन से कोई भी काम करे तो वो भी कंप्लीट होगा। ऐसे भगवान का नाम लो और डेडिकेशन के साथ काम करते रहो, मेहनत करते रहो, हो जाता सब हो जाएगा। तो गाइस ये मेरा सेकेंड ईयर था सावन का फास्ट रखने का। मैंने पिछले साल भी पूरा महीना फास्ट किया था, वैसे पिछले साल 2 महीने का सावन था बट मैंने 1 महीने का किया था, क्योंकि 2 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फिर मम्मी ने भी मेरे को यही बोला कि कोई नहीं तू 1 महीने का कर ले। मेरे यार, मेरा प्यारा, मेरा